बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं बग़ैर कोयले के मैं बनाऊंगी। किस पे? फ्राई पैन पे। आप फ्राई पैन पे सीख कबाब कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन जो साथ में दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर मेरी आने वाली नई रेसिपी आप देख सकें। एक किलो हम तकरीबन उबला हुआ लेंगे गाय का कीमा, यानी बीफ का कीमा लेंगे, और भुना हुआ मैं तकरीबन एक कप बेसन लूँगी। आपने इसे तवे पे भून लेना है। और इसके अलावा स्पाइसेस जो है उसमें हम क्या लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून हम अजवाइन शामिल करेंगे, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, हरा धनिया और पुदीना हम शामिल करेंगे, अदरक और लहसुन का ये पेस्ट है ये हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, नमक है और ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून और सूखा धनिया पिसा हुआ हम तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे, और ये कोकोनट है मैंने इसे कद्दूकश कर लिया था, ये ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट जो है कबाब्स का बहुत ही अच्छा आएगा। रेड चिली पाउडर डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च वो भी शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, दोनों इक्वली हम इसमें शामिल करेंगे। और ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये भी हम इसमें तकरीबन 4 स्लाइसेस हम इसमें मसल कर हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम कीमे में भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, एकदम से सारा आपने शामिल इसमें नहीं करना, इससे क्या होगा जो हमारे कबाब हैं वो हार्ड हो जाएंगे। और बेसन डालने का मकसद ये है कि हम इससे जो हमारे कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे बनेंगे, और बाद में इसके अंदर बाकी के जितने भी मसाले हैं वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, हरी मिर्चें पीस कर इसमें डालिएगा, साबुत मिर्च डालिएगा, और हरा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे, सॉल्ट और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और ये हम डाल देंगे नारियल, नारियल ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आएगा। बस इस तरह से सारे इनको मसालों को अच्छे से कीमे में मिक्स कर लें, और उसके बाद हम इसमें ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं वो इसमें इस तरह से तोड़कर हम शामिल कर देंगे। ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उसके डालने का मकसद ये है कि जो हमारे कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे और बहुत ही जूसी से बनेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने मसल लेना है और इसमें सारे स्लाइसेस को आपने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो कबाब है वो इस तरह से जम नहीं रहा, मतलब इस तरह से कबाब की शेप में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इसमें तकरीबन 1 अंडा डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आपका कबाब बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है कि वो एक शेप में नहीं आ रहा, टूट रहा है बार बार, तो उसकी उसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बेसन, जो भुना हुआ बेसन हमने शामिल किया था वो और हम शामिल कर देंगे। और अगर सख्त हो जाए तो सख्त होने के लिए हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, पतला हो जाए तो हम इसके अंदर भुना हुआ बेसन शामिल कर देंगे। बस अब इसके अंदर हमने अंडा शामिल किया और इसे अच्छी तरह से हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। चलें अब हम क्या करेंगे, ऐसी एक हम सीख ले लेंगे और उसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम कबाब जो हैं इस पर हम बना लेंगे। क्योंकि ये इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि हम इसे कोयले पे नहीं बनाएंगे, हम इसे फ्राई पैन में बनाएंगे, तो उसके लिए एक शेप देना ज़रूरी है। बस हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आप प्रेस करते जाएँ, जितने साइज में आप बनाना चाहें, अगर बड़े बनाने हैं ज़्यादा तो आप उसके मुताबिक हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करके आप बड़ा कर लें।
हाथों पे कोशिश कीजिएगा, कुकिंग ऑयल लगा लीजिएगा और इस पे अपनी सलाख के ऊपर भी, और इस तरह से आहिस्ता से आप इस तरह से निकाल लें और सारे इसी तरह से इसी शेप में आप बनाते जाएं। इस तरह से ग्रीस कर लें और फिर से ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस करना है। चले अब हम इन कबाब्स को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। चले अब हम क्या करेंगे, कबाब को अंडे में डिप करेंगे इस तरह से और फ्राई पैन में हम इसे फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे और इस तरह से सारे कबाब जो हैं अंडे में डिप करके हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। हमने कबाब को ज़्यादा हमने इस तरह से साइड चेंज नहीं करनी, इससे क्या होगा जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे। बस इस तरह फॉक की मदद से यानी कांटे की मदद से आप साइड हल्के हल्के हाथों से चेंज करते रहें इस तरह से, और इसके बाद अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो कबाब हैं वो भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे सीख कबाब तैयार हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।